work with Balaji in Gandhibad. Yeah. If you have any intimate scene coming up, how do you manage? Like, skip. कुछ नहीं बोला एसपी. सलमान खान, आदित्य ठाकरे. आपका ध्यान कहाँ रहेगा जब अपनी लड़कियां आपके आजू-बाजू में रहेंगी? ये सरप्राइज है उनके लिए. हम श्रुति की बात कर रहे हैं. तो सुबह उठ के एग वाइट्स खा लो, ओट्स खा लो, म्यूसली ले लो, मिल्क ले लो, बनाना ले लो, कोई भी एक फ्रूट ले लो. ये आपका अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है. ओके. लंच अगेन मेक इट अ पॉइंट कि आप हर मील में प्रोटीन ऐड करो. एंड आई विल किस जैकलिन फर्नांडिस बिकॉज़ आई रियली फाइंड हर वेरी क्यूट. आज हम फिर से आए हैं एक नए शो के साथ, एक नया अंदाज, एक नया दिलचस्प अदाकार. जी हाँ, हम आए आज मलाड़ में और इनकी एक्टिंग की क्या बात कहे, इनकी एंकरिंग की क्या बात कहे. अगर कहना चाहो तो ये एंकरिंग के सरताज माने जाते हैं आज के टाइम्स में. मुलाकात करते हैं एक्टर, फिटनेस आइकन और एंकर विनायक सिन्हा जी के साथ. सो लेट्स वेलकम हिम ऑन द शो. कैसे हैं सर आप? ऑल गुड. तुम कैसे हो यार? एक बढ़िया सर, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं. Absolutely. अगर आपको याद है नाप तोल के चार साल जब हम साथ में काम किया करते थे. I mean, वो 2018 की बात है. 2014 to 18 के बाद फिर हम मिले नहीं. जी ग्रेट. तो मतलब मैं कहना चाहूंगा इस शो पे he's been one of the most handsome, one of the most needed, and I mean, लड़कियां इनके आसपास मंडराती रहती थी. क्या कहूँ आपसे, एक वाक्य दोहराना चाहूंगा. हम भी थे वहां पे, हम भी इतने कुछ, हम भी हैंडसम ही है. लेकिन होता क्या था कि जब ये आते थे सारी फीमेल एंकर और जितनी लड़कियां थी वहां पे नापतोल में काम करने वाली, बस विनायक जी के पास जाती थी. ओके. अब ऐसा इनका अंदाज पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ये कैसे कर लेते हैं आप? यार ये मुझे सच्ची नहीं पता, ये मुझे अभी पता चला रोहन से कि ऐसा कुछ होता था. आई हैव नो आइडिया अबाउट द सीम. ऐसा कुछ आइडिया है नहीं मुझे. ये है कि ये छिपाना चाह रहे हैं. वो जो माहौल था ना, इनको भी बहुत पसंद आ रहा था. बाय द वे आई मीन ठीक है, मतलब कभी इतने ध्यान से मैंने दिया नहीं. जिस तरीके से तूने भी बताया है मुझे भी लगा क्योंकि ऐसा होता था क्या, मतलब कुछ ऐसा लगा. सर आपका ध्यान कहाँ रहेगा जब अपनी लड़कियां आजू बाजू में रहेंगी? तो मतलब ऐसे हुआ था कल कई बार की मैंने इनको दो तीन बार बुलाया था. विनायक भाई बस फोकस्ड ऑन फीमेल फैन फॉलोअर. आई डोंट नो इसमें कितनी रियलिटी है, बट आई डोंट नो. इग्नोरेंस कभी जानबूझ के तो नहीं हुआ होगा, शायद गलती से हो गया होगा, बट नॉट इंटेंशनली एटलीस्ट. आपके जगह हम रहते तो हम भी वही करते. चलो तब ठीक है. चलिए नो, बट सीरियसली ही इज बीन वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स आई हैव एवर मेट थ्रू आउट माय करियर. सो आई गेस दैट्स वन ऑफ द जो खासियत आपकी रही है आज तक, इतना सक्सेस पाने के बाद भी इतना यू नो यू हैव बीन डाउन टू अर्थ. सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग. करियर अगर ऐसे कहूँ तो यू हैव बीन एन आउटसाइडर, जो वर्ड आजकल बॉलीवुड में बहुत ही फेमस है. सो आप आए हैं, आपने कैसे यहाँ पे एंट्री की, क्या क्या स्ट्रगल थी आपकी, थोड़ा बता सकते हैं? सो आई डिड माई स्टडीज वेरी क्लियरली. मुझे बहुत स्टार्टिंग से पता था कि मुझे यही करना है. बट जब मैंने 10th की पढ़ाई की उड़ीसा में एंड आई वेंट टू पुणे, तो माई डैड इज अ लॉयर, माई होल फैमिली इज फुल ऑफ लॉयर्स. तो मेरा भी यही एम था कि मुझे लॉ ही करना है. बट वेंट टू सिम्बायसिस, तो सिम्बायसिस जब मैं जाता था सेनापति बापट रोड में पुणे में, तो बीच में एक इंस्टीट्यूट पड़ता है FTIA, दैट्स फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो जब भी मैं जाता था मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता था और मुझे देख के लगता था अरे ये बहुत फैसिनेटिंग सा इंस्टीट्यूट है. और समाओ वो टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, वो वहीं से उसकी शुरुआत हुई. एंड दैट्स हाउ यू नो ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ. और जब टाइम आया कि लॉ करना है तो मैंने अपने डैड को बोला कि पापा मेरे साथ लॉ नहीं होगा, तो बोले अरे फिर क्या करोगे तुम, बिकॉज वी फैमिली आर फुल ऑफ लॉयर्स, ये तो लेगेसी है पूरे लॉयर्स की. तो मैं बोला कि नहीं होगा पापा, बट माय डैड माय फैमिली दे हैव बीन अ बिग सपोर्ट. मेरे डैड ने बोला कि चलो ठीक है तुम्हें जो करना है करो. सो आई डिड माय फिल्म मेकिंग इन डायरेक्शन. यस आई डिड माय मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग इन डायरेक्शन, मैंने वो कंप्लीट किया. एंड एक शॉर्ट कोर्स भी किया FTII से. एंड देन आई केम डाउन टू बॉम्बे. तो आई स्टार्टेड माय करियर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर. Then became a creative director in couple of projects,
एंड उसके बाद स्विच टू एंकरिंग एंड एक्टिंग. सो दिस इज हाउ लाइफ हैज बीन. तो डायरेक्शन से एक्टिंग में क्यों, लाइक व्हाई नॉट कंटिन्यूइंग डायरेक्शन? सी, सो व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन, मुझे ये लगा कि दैट यू नो बॉम्बे और यशराज फिल्म्स में सीधा जाऊंगा और शाहरुख खान सर को अप्रोच करूंगा कि सर मेरी फिल्म है, और यश अंकल यश चोपड़ा जी को मैं बोलूंगा, लेट यश चोपड़ा जी को मैं बोलूंगा कि सर एक फिल्म बनानी है, वो बोलेंगे चलो विनायक बना लो. बट द वे यू नो इट्स नॉट दैट ईजी द वे इट लुक्स. आप जब बाहर में कोर्स कर रहे होते हो, फिल्म मेकिंग कर रहे होते हो, तो आपको ये लगता है कि आप बॉम्बे जाओगे और चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी. बट द रियल स्ट्रगल व्हेन यू लैंड अप इन मुंबई. आप जब मुंबई में लैंड करते हो, जैसे भी आप मुंबई टच करते हो, फिर आपको रियलिटी पता चलती है कि भाई ये जो दिख रहा है ये है नहीं. तो आई रियली ट्राइड माई बेस्ट. कुछ अच्छे लोग थे बिकॉज जिन्होंने मुझे हेल्प करा, जिनके थ्रू आई गॉट टू स्टार्ट गेटिंग अ जॉब एज एन एडी. मैंने एज एन एडी एक साल काम किया, उसके बाद एडी का काम किया, फिर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया, थोड़ी बहुत राइटिंग मैंने करी. एंड देन इवेंचुअली जो तुम्हारा सवाल था कि डायरेक्शन से एंकरिंग या एक्टिंग कैसे हुआ, तो इसकी कहानी है कि 2014 में नापतोल में ही एक्टिंग की टेक्निकली एक तरीके की शुरुआत हुई. उससे पहले मैंने थोड़े बहुत डायरेक्शन और एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा था क्योंकि मुझे एक्टिंग में कहीं ना कहीं पसंद था, लेकिन फुल फ्लेज्ड एक्टिंग एंकरिंग की शुरुआत तो नापतोल से हुई है बिकॉज आई वेंट टू नापतोल कि मुझे बिहाइंड द कैमरा कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए. और हमारी वहाँ पे एक सीनियर हुआ करती थी तब वंदना मैम करके, हमारी HOD हुआ करती थी, यू मस्ट बी नोइंग हर, राइट. सो मैं गया था यू नो राइटिंग के लिए, बट उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई इन एंकरिंग ऑल्सो. तो फिर मैंने एंकरिंग की ऑडिशन दी एंड उस दिन से वो स्विच हो गया कि गया तो मैं राइटिंग करने था, बींग अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल बिहाइंड द कैमरा टीम, बट एंकरिंग में स्विच हुआ. और फिर जब आप एक बार एंकर बन जाते हो, और एंकर की लाइफ और एक्टर की लाइफ टेक्नीशियन से मुझे लगा अच्छी बात ये हो जाती है, हीरो आप जाते हो सेट पे मेकअप करके अपना परफॉर्मेंस दे दो एंड योर टेक्नीशियन जो होता है बहुत हार्डवर्किंग काम है टेक्नीशियन का, इट्स नॉट एन ईजी जॉब बिकॉज आई बीन बिहाइंड द कैमरा. तो AD से लेके क्रिएटिव से लेके मैंने हर वो पड़ाव देखा है अपने लाइफ में, तो मुझे पता है कि भले क्रेडिट एक्टर को जाता है या एंकर को जाता है, बट बिहाइंड द कैमरा जो टीम होती है जो इतना मेहनत करती है और उसके बाद ही हम इतने अच्छे दिखते हैं. तो टेक्निकली हुआ यही है कि मैं गया तो था राइटिंग करने, मुझे एंकरिंग का जो जॉब मिला एंड आई स्टार्टेड लविंग इट. एंड मुझे लगा कि यार ये भी एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड आई डिड इट. और फिर एंकरिंग के बाद आई नेवर लुक बैक, बट येस आई कीप ऑन डायरेक्टिंग कॉन्टेंट. मैं छोटे छोटे फिल्में शॉर्ट प्रोजेक्ट्स करता हूँ, बट द प्रायोरिटी इफ यू टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज एंकरिंग एंड एक्टिंग. आई थिंक यू वर डेस्टिनड टू बिकम एन एंकर एंड एक्टर, दैट्स व्हाई यू हियर एंड पीपल आर लविंग योर शोस. और सबसे बड़ी बात हसीना ओके हसीना ओके महफिल, ये शब्द को मैं बार बार दोहराना चाहूंगा एक शो पे क्योंकि आई एम जेलस ऑफ हिम. एनीवेज, सो यू वर्कड इन द लॉट ऑफ एक्ट, लाइक बिग बी के साथ आपने काम किया, धोनी के साथ काम किया है, तो कौन सी एड्स थी ये और कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज बिग बी कहा और आई मीन MS धोनी बोथ आर गॉड्स. एब्सोल्युटली, एंड आई डू एडमायर both of them a lot. I mean, working, see, as an actor, as a director, as a technician, जब आप एक इंडस्ट्री में आते हो ना, आज के डेट में लोग चाहते हैं कि एक बार बिग बी अमिताभ बच्चन सर के साथ या तो फ्रेम शेयर कर लो या उस टीम में रहो जिस टीम में वो शूट कर रहे हो. एंड दैट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. आई वॉज डूइंग एन एड फिल्म फॉर TVS जुपिटर. हम महबूब स्टूडियो बैंड्रा में शूट कर रहे थे. आई रिमेंबर दैट डे, इट वॉज रेनिंग वेरी हेवीली और 8 बजे का कॉल टाइम था, और आई वॉज सुपर डुपर एक्साइटेड कि यार आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, बहुत कमाल की चीज़ है. तो मैंने ही लैंडेड अप, 8 बजे का कॉल टाइम था, मैं 8 बजे पहुंचा तो मुझे पता चला दैट अमित सर इज़ नॉट वेल एंड वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है. तो बोल के रखा है कि आई विल कम अराउंड 9 बिकॉज मेरे डॉक्टर मेरे घर में आए हैं, तो मैं 8 नहीं 9 बजे आऊँगा. तो वो एग्जैक्ट 8:55 में पूरा अंतराज, जो उनका होता अंतराज पूरा, उनकी पुलिस, उनके अपने सिक्योरिटी, एग्जैक्ट 8:55 में बीइंग अनवेल, 1 घंटे के अंदर वो डॉक्टर से चेकअप करवा के वो महबूब स्टूडियो पहुंच गए. एंड दैट इज समथिंग ना दैट आई ऑलवेज थिंक कि यार अमिताभ बच्चन, आई मीन जस्ट इमेजिन सच अ बिग सुपरस्टार,
और वो टाइम को लेके कितना पर्टिकुलर है, अगर उन्होंने 9 बजे बोला तो वो 8:55 में पहुंच गए बीइंग अनवेल। वो चाहते तो वो शूट उस दिन कैन हो सकता था, बट लेकिन उनको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि यार एड फिल्म शूट है, एक्टर्स आए हुए हैं, मल्टीपल एक्टर्स हैं, इतना बड़ा कास्ट है, इतना तामझाम है, और इस टाइम पर अगर मैं शूट कैन करूँ, अगर मैं जा सकूँ, बहुत एक्सट्रीम केस हो तो अलग बात है, लेकिन दैट इज़ वॉट प्रोफेशनलिज्म इज़। और उनके साथ जब मैंने स्क्रीन शेयर किया तो दैट वॉज अमेजिंग, बिकॉज आई रिमेंबर जो डायरेक्टर थे, मैं वेट कर रहा था, अमित जी, अमित सर आए, एंड जब वो डायरेक्टर बोलते कि सर ये आपके सीन के को एक्टर हैं, तो उन्होंने जस्ट एक लुक देखा, बोला हेलो, बस दैट्स इट, वो हेलो था। और मैंने बोला कि सर गुड आफ्टरनून सर, बिग फैन बोलने का वो हिम्मत ही नहीं हुई, ह्यूज पर्सनैलिटी। बट द गुड पार्ट वॉट आई हैव लर्नड इन दैट एड विथ अमिताभ बच्चन सर इज दैट पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म, एंड थ्रू आउट द एड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट यार रोहन, हम एज एन एक्टर और भी एक दो एक्टर्स थे, हमारी कोशिश ये थी ना कि एक बार सर से आई कॉन्टैक्ट हो, तो सर को बोलेंगे सर बिग फैन सर, आप यू नो हर इंसान जो अमिताभ बच्चन से मिलेगा वो ये तो बोलेगा ही सर बिग फैन सर, आपको बचपन से देख रहे हैं। बट उन्होंने ना आई कॉन्टैक्ट नहीं किया किसी से, वॉज थ्रू आउट द, उनका सर नीचे था एंड वॉज रीडिंग इज लाइन्स, तो मुझे पहले ना थोड़ा लगा यार क्या यार, मतलब सर मतलब आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे यार, मतलब थोड़ा मुझे फील हुआ। लेटर ऑन आई रियलाइज कि वो अमिताभ बच्चन है, कम से कम यूनिट 110 लोगों की यूनिट है, और हर किसी की नज़र, राइट फ्रॉम स्पॉट टू DOP टू डायरेक्टर टू को एक्टर्स, हर किसी की नज़र, सिक्योरिटी तक की नज़र है कि एक बार अमिताभ बच्चन से आई कॉन्टैक्ट हो जाए। एंड इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब, हम जिस इंडस्ट्री में है ना, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जॉब है, हम सबसे आई कॉन्टैक्ट रहेंगे, और टेक के पहले अगर इतना आई कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। तो दैट इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम अमिताभ सर, इज दैट कि ना काम के टाइम पर इतना फोकस्ड रहो ना कि तुम भूल जाओ तुम्हारे अगल बगल कुछ है, एंड दैट आई हैव लर्नड। और पहले मुझे लग रहा था यार उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, एक बार बस शॉट किए निकल गए, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर वो 70 और 110 लोगों से आई कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और परफॉर्मेंस नहीं निकलेगी। तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अमित सर। आई थिंक वन थिंग जो इन्होंने अभी दोहराई है, आई थिंक अमिताभ सर से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन व्हाट ही हैज सेड इज जो भी आप कर रहे हो पूरे तहे दिल से कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आजू बाजू में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। सो आई थिंक इस शो के थ्रू आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैसेज इज गिविंग टू ऑल द यंगस्टर्स। सो MS धोनी, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, सो प्लीज टेल मी क्या था वो। एंड आई रिमेंबर दैट वाज 10 सितंबर इज माय बर्थडे, और मैं अपने बर्थडे के दिन ही उनके साथ शूट कर रहा था। वाओ, दैट्स अ लकी चक्कर। हां, एब्सोल्युटली। सो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ऑडिशन के थ्रू, आई गॉट फाइनलाइज्ड, और डेट मुझे जब ब्लॉक करने को कहा गया 10 सितंबर, आई वाज सुपर एक्साइटेड। मुझे अपने बर्थडे के दिन काम करना ज़्यादा पसंद है, मैं छुट्टी लेना बिलीव नहीं करता हूँ, बर्थडे के दिन मुझे लगता है कि काम करो साल भर काम करते रहोगे। तो हम लोग, आई वाज शूटिंग इन फेमस स्टूडियो, एक ऐप, एक कोई बैंक के लिए ऐड था, एंड तो मेरा उनके साथ ही डायलॉग्स काफ़ी सीन था, तो भाई डायरेक्टर आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड वो आए, जब हमारे बीच में डायरेक्टर ने बात कराई, थे वेरी चिल्ड आउट गाई। अब जैसे अमित सर हैं थोड़े एकदम स्ट्रिक्ट अपने स्क्रिप्ट में रहना, एंड MS धोनी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट बिकॉज ही इज अ क्रिकेटर, बहुत कूल एंड काम, अच्छे से आए, हेलो किए, नाम पूछे, बात हुई, एक बार टेक हुआ तो कट हुआ, फिर लाइटिंग सेट हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि सर हाय, आई एम फ्रॉम रांची तो जब भी छुट्टी होती है तो पापा मम्मी हम लोग पूरी फैमिली रांची दादी घर जाया करते थे, दैट हैज बीन माई दादी घर, तो रांची में बहुत रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको बोला कि सर इवन आई एम फ्रॉम रांची, तो जब मैंने उनको बोला ना आई एम फ्रॉम रांची, तो उनका पूरा टोन ही बदल गया, अरे भाई कहाँ से फिर? तो मैंने बोला कि सर रांची में ये रातू रोड, बोले अरे अरे सही है यार, यहाँ क्या कर रहा है? बोला सर यहाँ एक्टिंग कर रहा हूँ। गुड गुड गुड। तो एक फॉर्मल जो एक फॉर्मल मीट थी वो थोड़ी इनफॉर्मल हो गई, क्योंकि जब उनको भी पता चला था आई एम फ्रॉम रांची एंड ही इज फ्रॉम रांची, वी ऑल नो दैट, तो वो एक कंफर्ट जोन ही आ गया, और बहुत अच्छे से एड शूट हुआ, एक दो पिक्चर्स हमने क्लिक करवाए, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से ऑल द बेस्ट बोला, और वेरी ऑनेस्ट थ्रू आउट द शूट, एक बार भी फील नहीं हुआ दैट नो दैट इज MS धोनी, मतलब वो एक होता है ना MS धोनी, भले उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हमें बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि दैट MS आया तब उनको पिक्चर्स के लिए ये मत बोलना वो मत बोलना, बट आई डोंट डू दैट, बट जब उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई
तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, दोनों एक्सपीरियंस बहुत कमाल के रहे हैं मेरे। मतलब ऐसा कि गॉड ऑफ मूवी इंडस्ट्री, गॉड ऑफ क्रिकेट, एब्सोल्युटली नो सेकंड थॉट अबाउट इट। वेरी लकी ऑन दोस टर्म्स टू वर्क विद देम टू। Absolutely, yeah, absolutely, and I want to keep this going on. Definitely. कभी आपकी राहुल द्रविड़ के साथ अगर कुछ शूट हो ना तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। Absolutely, yeah. वो याद रखेगा। Absolutely. Vinayak, I wanted to ask you about. I think you worked with Balaji in Gandhibad. Yeah. So, I mean, one of the very well talked about serials, OTT platform पे जो आई है, and how is it like? We've seen that. I've seen it personally. So, if you have any intimate scene coming up, how do you manage, like,